पवन सिंह का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एक कामयाबी ने पवन सिंह के दिमाग को बिगाड़ दिया है। ऐसा हम नहीं करें, ऐसा तो वो लोग कह रहे हैं जो कि पवन सिंह के फैंस नहीं हैं। जी हाँ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, ऐसा वो लोग रूमर फैला रहे हैं कि कमरिया हिला रही है, क्या जबरदस्त हिट हुआ। पवन सिंह का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया, पवन सिंह का अड़ियल रवैया हो गया, तो पवन सिंह आजकल किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। जब इसी से रिलेटेड पवन सिंह के साथ सवाल जवाब किए गए, जी हाँ, जब उनका इंटरव्यू लिया गया, वैसे आजकल पवन सिंह जो कि मीडिया से दूर भागते हैं, आजकल मीडिया को अपना दोस्त बना लिया है। आजकल पवन सिंह मीडिया में लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं और अपने होली वाले सॉन्ग का प्रमोशन कर रहे हैं। वहाँ लोगों को ये बता रहे हैं कि लगातार 3 दिन तक वो यूट्यूब में इंडिया में यूट्यूब के इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर थे। और यहाँ पर पवन सिंह ने ये भी कहा कि वो बहुत खुश हैं इस रिकॉर्ड से, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रितेश पांडे के गाने हेलो कौन को लेकर भी लोगों में ये बस था। लोग ये कह रहे थे कि पवन सिंह इस गाने को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो वो सारा कुछ गलत है। पवन सिंह ने यहाँ पर ये कहा है कि उन्हें ये गाना बहुत पसंद आया है और वो बहुत खुश हैं कि अपना भोजपुरिया भाई, अपना ही भोजपुरी माटी का कोई व्यक्ति इतना बड़ा रिकॉर्ड बना पाया। हाँ, तो बात हो जाती है पवन सिंह के अड़ियल रवैये की, तो भाई इस पर पवन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, वो हंस कर चले गए, क्योंकि पवन सिंह को लगा होगा कि भाई ये जो रूमर फैला रहे हैं उनके शुभचिंतक तो नहीं हैं। यहाँ पर पवन सिंह ने ये भी कहा है कि दर्शक उनके भगवान हैं, जो ऑलवेज वो कहते आते हैं। यहाँ पर पवन सिंह ने कुछ और बातों को भी कहा, खुलकर बात की पवन सिंह ने, बहुत कम खुलकर बात करते हैं। तो भाई आजकल पवन सिंह अच्छे मूड में हैं। भाई वैसे भी पवन सिंह के लिए ये डायलॉग बड़ा बेस्ट है, पवन सिंह भाई मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। इससे याद आया कि इस गाने ने भी आजकल यूट्यूब पर धूम मचाया हुआ है। साथ ही साथ पवन सिंह का एक गाना जो होली पे निकला था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी स्वच्छ गाना है, लोगों को ये आप किसी के साथ भी देख सकते हैं, तो उस गाने ने भी 16 मिलियन व्यूज़ बनाया है। तो पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं खुश हो जाइए भाई, पवन सिंह फिर से वही व्यूज़ वाले, वही ट्रेंडिंग वाले पवन सिंह आप लोगों के सामने आ रहे हैं। और पवन सिंह ने यहाँ ये भी कहा है कि वो जल्द ही कई और चीज़ों का खुलासा करेंगे, जहाँ पर वो बताएंगे कि वो बॉलीवुड में कौन से और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भाई अच्छी बात है, हमें भी पवन सिंह के और कई गाने सुनने को मिलेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।